सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि हम बेट कास्टिंग सेटअप का टेस्टिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो बेट कास्टिंग है टीका का हमारे पास आ चुका है, एंड आपको आपने हमारा पिछला वीडियो ऑलरेडी देखा है इसके ऊपर। सो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम एक बेट कास्टिंग रील के अंदर ब्रेड लाइन इंस्टॉल कर सकते हैं या चढ़ा सकते हैं, एंड उसका सही तरीका क्या है चढ़ाने का, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली ब्रेड लाइन नहीं चढ़ाया तो ब्रेड लाइन मिस होता है। जब भी मछलियाँ खींचती है तो अगर वो मिस हो गया तो पूरा लाइन आपका वापस निकल जाएगा, ड्रैग काम ही नहीं करेगा गाइस। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे, एंड अब मैं इस ब्रेड मेरा जो बेट कास्टिंग रील है उसके अंदर मैं ये ब्रेड लाइन इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये सुफिक्स का एक सेट ब्रेड है, 0.33 mm, 0.26 kg का कैपेसिटी है, एंड LB में बोलेंगे तो 60 LB। सो ये ब्रेड लाइन मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ इस रील के अंदर। मैं इसको टेस्टिंग करूँगा कुछ दिनों तक, अगर मुझे ठीक लगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया इस ब्रेड लाइन ने, तो मैं इसको यूज़ करूँगा। इसका डायमीटर भले ज़्यादा दिखा रहा है इसमें गाइस, बट दिस इज़ वेरी स्लीक लाइन, बहुत पतली लाइन है ये। इससे काफ़ी अच्छे फंक्शन, इसमें जो इसका जो फंक्शन है वो हाई स्ट्रेंथ एंड स्मूथ एंड सिल्की सॉफ्ट ब्रेड लाइन है, तो इसको हम अभी यूज़ करेंगे इसके अंदर। इसका भी रिव्यू मैं आपको फाइनली दूंगा आफ्टर यूजिंग फॉर फ्यू टाइम्स और फ्यू मंथ्स। सो अगर मुझे कंफर्टेबल लगा तो हम इसका कंप्लीट रिव्यू करेंगे गाइस। सो गाइस, आप देख रहे हैं हमारा चैनल बैरा हंटर द आर्ट ऑफ फिशिंग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नीचे जो इंस्टाग्राम का लिंक आ रहा है आप वहां पर जाके हमें फॉलो करें, जहां पे आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हो गाइस। थैंक यू सो मच। सो गाइस, ब्रेड लाइन इंस्टॉल करने के लिए इस रील में हमें चाहिए मोनोफिलामेंट का बैकअप एंड ब्रेड लाइन एंड रील। सो अभी हम ये जो मोनोफिलामेंट लाइन है मेरे पास, ये मैं लीडर के लिए यूज़ कर रहा हूँ, टेस्टिंग कर रहा हूँ इसका भी। सो इसको हम यूज़ करेंगे, इसका बैकअप देंगे हम अपने इस रील के नीचे। अब गाइज, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि अगर आप इसका बैकअप नहीं दोगे तो क्या होगा कि जब भी कोई बड़ी मछली लग जाएगी आपको या पावरफुल मछली लग जाएगी, जब वो ड्रैग खींचेगी, खींचते समय क्या प्रॉब्लम होता है कि हमारी लाइन इतना ग्रिप नहीं पकड़ती, ब्रेड लाइन को इतना ग्रिप नहीं होता है स्पूल को, स्पूल का जो नीचे का सरफेस होता है। बट जो मोनोफिलामेंट लाइन होती है वो बहुत ही स्टिकी लाइन होती है, वो चिपकी हुई जाती है उसके साथ में, जिससे वो ग्रिप देती है स्पूल को, तो स्पूल घूमता है। जब स्पूल घूमता है तब ड्रैग का प्रेशर स्पूल पर काम करता है। इसीलिए नीचे कोई भी आप लाइन यूज़ कर रहे हो, बेट कास्टिंग रील या स्पिनिंग रील, किसी भी लाइन में नीचे आपको मोनोफिलामेंट का बैकअप देना है। मोनोफिलामेंट बोलो या फ्लोरोकार्बन बोलो, उसका एटलीस्ट 10 मीटर का, 5 मीटर का बैकअप आप दोगे तो आपके लिए कभी प्रॉब्लम नहीं होगा गाइस, इसलिए हम इसमें बैकअप देंगे। अभी ये जो रील है आप देख सकते हैं, इसका स्पूल इस तरह का है, तो इसको अगर बैकअप नहीं देंगे तो स्लिप हो सकता है, इसलिए हम इसमें बैकअप देना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो रील है इसके अंदर लाइन को इंस्टॉल करने के लिए आप सामने जो इसका जो पुली है, जिसका होल दिख रहा है सामने का साइड से, वहाँ से आपको मोनोफिलामेंट का लाइन डालना है। लोग हम मोस्टली यही भूल जाते हैं, यहाँ से डालने के बाद ही इसको आपको निकालना है इस एंड से। अभी हमें क्या करना है कि ये जो हमारा स्पूल है उसको नीचे से क्रॉस कराना है इस तरफ, बट इस तरफ अभी क्रॉस हम करा नहीं पाते हैं। इस तरह का पेपर टेप या तो जो सेलो टेप होता है ट्रांसपेरेंट वाला, वो भी आप यूज़ कर सकते हो। खाली आपको क्या करना है कि इस लाइन को इस पे रख के इसके ऊपर आपको ये टेप लगा देना है, चिपका देना है, एंड अपने स्पूल को इस तरह से घुमा देना है, तो एक राउंड घूम जाएगा वो। एक दो राउंड घुमा लीजिए, चाहिए तो प्रॉब्लम नहीं है, एंड लाइन आपके हाथ में आ जाएगा इस तरह से। इसको साइड में रख देते हैं एंड आपको दिखा देते हैं किस तरह से हमारी लाइन आ चुकी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं, आई होप यू कैन सी दैट वेरी क्लियरली। अब हम इस पर नॉट मारेंगे अपना, जो भी नॉट आपको ठीक लगता है, अल्बर्ट नॉट, जो भी आपको कन्वीनियंट रहे आप उस पर रिसर्च कर लेना। मैं तो स्लाइडिंग नॉट मारूंगा इसके ऊपर, सो दैट वो स्लाइड करके स्टिक हो जाए पूरा बेस में। एक्स्ट्रा एंड को कट कर लेंगे एंड इस तरह से हमारी ये जो नॉट है
ये बैठ जाएगी नीचे, सेट हो जाएगी। अब इसको आप और भी सिक्योर करना चाहते हो अगर इस सेटअप को, ये जो नॉट हमने मारा है, तो आप इसके ऊपर ही एक मास्क, ये जो टेप था पेपर टेप इस तरह का आप देख सकते हैं, इस तरह का पेपर टेप आप लेकर छोटा टुकड़ा कट कर ले इसका पेपर टेप का, एंड इस ये जो नॉट है हमारा, नॉट के ऊपर आप इसको स्टिक कर सकते हो इस तरह से। इस तरह से आप उसको स्टिक करके सिक्योर कर सकते हो नॉट को। प्लस ये जो पेपर है आपको ये ग्रिप भी देगा आपकी लाइन के लिए, वो तो अच्छे से लपेटेंगे। अब इसमें दो तीन लाइन मैंने इसको कट करके हम अलग कर देते हैं। अब हमारा इस तरह से मोनो का बैकअप हो चुका है इस रील के ऊपर, एंड इस जो लाइन है हमारी, इसके आगे मैं अभी ब्रेड लाइन को अटैच करूँगा विद ब्लड नॉट, ब्लड नॉट या जो भी आपको एफजी नॉट जो भी आपको ट्राई करना है आप कर सकते हैं, मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, ये छोटा ये इट्स लाइट सेटअप मेरे लिए, तो फिर मुझे इतनी एफजी नॉट वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, तो मैं सादा नॉट यूज़ करूँगा विच इज़ ईजी एंड कन्वीनियंट। ये हमारे ब्रेड लाइन है, इसका एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देता हूँ, हो सकता है वो डैमेज होगा। इस लाइन को मैं इस तरह से ब्लड नॉट मार दूंगा इसके ऊपर, आप भी ये नॉट यूज़ कर सकते हो, या आपको जो भी नॉट सही लगता है आप यूट्यूब पे देख लीजिए, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है, मैंने भी कुछ वीडियोस बनाए हैं नॉट के ऊपर, सो आपको जो भी कन्वीनियंट अच्छा लगे आप वो नॉट यूज़ कर सकते हो, मोनो जिसके थ्रू हम मोनोफिलामेंट और ब्रेड लाइन को ज्वाइन मारते हैं। सो ये जो ब्लड नॉट है ये मुझे सबसे इजी नॉट लगती है, सो मैं वही यूज़ कर रहा हूँ अभी। इस तरह से हमारा ब्लड नॉट हो जाता है। आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप लोग इस तरह का नॉट जो है हर एक जो जो भी आप फिशिंग रील में कोई लाइन इंस्टॉल कर रहे हो तो इस तरह के सेटअप का यूज़ करें। जो टैग एंड बचा हुआ है उसको जला दे थोड़ा, इस तरह से तो एकदम वो परफेक्ट चिपक जाएगा, ये हमारी लाइन सिक्योर हो गई है। इसको थोड़ा निकाल के
इसको अच्छे से। बाकी ये लाइन को मैं नीचे रखता हूँ, स्पूल को अपने, ये जो आगे का पोर्शन है गाइस, यहाँ पे आप थंब से पकड़कर टाइटली इसको स्पूल कर सकते हो। इस तरह से ये हमारा नॉट आ गया, अभी नॉट अंदर गया। इस तरह से इसको थोड़ा टाइट ही आप स्पूल करें, नीचे चाहिए तो आपको पैर से पकड़ ले उसको लाइन को, और थोड़ा टाइट हो जाएगा वो। चाह रहा हूँ जितना टाइट हो सके उतना टाइट नीचे का पोर्शन मेरा लपटाए। हमको इसको ओवर स्पूल नहीं करना है गाइस, क्योंकि देख सकते हैं आप ये जो लेवल है उस लेवल के हिसाब से इसको रखना है। एंड अगर आप ओवर स्पूल करोगे तो ये ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ टच होगा, अगर ऊपर और नीचे टच होता है तो इससे हमारा बर्डनेस बहुत ही जल्दी, बर्डनेस होने के बाद जल्दी वो निकलता नहीं है। सो हम अभी कोशिश करेंगे इसको इसी लेवल पर रखने के लिए, तो अभी हम इस पर रुका देंगे, हम इस लाइन को कट कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितनी लाइन गई है, ये 300 मीटर का स्पूल था, ऑलमोस्ट 50% तो चला गया है, मतलब 150 मीटर लाइन तो आ चुकी है अंदर। सो यू कैन सी गाइस, आप देख सकते हो हमने किस तरह से स्पूलिंग कर लिया इस ब्रेड लाइन, इस बेट कास्टिंग रील पर, परफेक्ट स्पूलिंग हो चुका है। जब इसको ऐसा हो तो आप इसको थोड़ा रील करके चेक कर लें कि कहीं पे भी आपको कहीं टच तो नहीं हो रहा आपका लाइन, तो इसमें आपको फील होगा इसमें स्मूथनेस है कि नहीं। आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ब्रेड लाइन आ रहा है। सो गाइस हमने ब्रेड लाइन इंस्टॉल कर दिया सक्सेसफुली, एंड आप लोगों को भी दिखा दिया कैसे किया जाता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो एंड कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो के थ्रू। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हमारे आगे वाले वीडियोज़ को, आने वाले वीडियोज़ को सपोर्ट करें गाइस। अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे इंस्टाग्राम का लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आप हमसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं, एंड आपके क्वेश्चंस या कुछ डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हो। एंड अभी जो कोरोना का पीरियड चल रहा है उसमें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स का ध्यान रखें गाइज। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, वेरी सून गाइज़।